सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। अब सावन के महीने में अगर बारिश की बात ना हो तो यह भला कैसे हो सकता है। बारिश की शुरुआत भी हुई और रिमझिम फुहारों के साथ सावन का महीना शुरू हुआ और इसी बीच अब ये महीना क्योंकि शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए हम शिव मंदिर में मौजूद हैं और शिवालय में लगातार सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। और इस भीड़ ने किस तरीके से शिवालय में पूजा अर्चना की, मैं आपको महादेव के दर्शन भी कराऊंगी, लेकिन जिस तरीके से ये जो सावन का महीना है वो शिव को कितना प्रिय है वो हम जानते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर किस तरीके से सावन का जो महीना है वो शिव को प्रिय है। सबसे पहले नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। केशव मुरारी शर्मा। पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सावन का महीना सबसे ज्यादा शिव को प्रिय है, आखिर क्या कारण है कि इसमें शिव भक्तों के इतने नजदीक उनकी मनोकामना सुनते हैं? ये चतुर्मास का पहला मास होता है, इस करके ये विशेष शिव जी को प्रिय होता है। इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं चार सोमवार का, और ये बहुत ही शुभ माना गया है। सारे देवी देवता जल में चले जाते हैं, इसलिए शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है, इनसे प्रार्थना करी जाती है, इससे करने से मनोकामना पूरी होती है। ये करने से मनोकामना तो पूरी होती है, चार सोमवार का व्रत है और एक शिवरात्रि का व्रत सावन के महीने में रखा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने जब व्रत किए थे तब से ये महीना प्रचलित है, आखिर क्या इसके पीछे की धारणा है, क्या इसके पीछे की कहानी? ये शिव जी के जब माता पार्वती ने व्रत रखे थे उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको अपनी अर्धांगिनी बनाया था। उसके बाद इसी प्रथा के द्वारा महिलाएं ये व्रत रखती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं अपनी मनोकामना के लिए, अच्छा वर पाने के लिए लड़कियां व्रत रखती हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बेलपत्र का काफी ज्यादा महत्व इस महीने में माना जाता है क्योंकि बेलपत्र भी बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान शिव को है। महादेव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? बेलपत्र एक प्राचीन कथा है, उसके अनुसार बेलपत्र भगवान को प्रिय है। एक गाय चराने वाला गडेरिया जो रात में बेल पे चढ़ गया था, वहाँ शिविरे शिकार करने गया था, उधर बेल पत्थर पे पेड़ पे चढ़ गया था, शिव मंदिर था उधर, उसमें से पत्ते गिरे, उससे उसकी मनोकामना पूरी होगी। इससे ये प्रथा चली आती है कि शिव जी पे बेल पत्थर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो देखिए किस तरीके से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, भगवान शिव कितने नज़दीक होकर इस महीने में भक्तों की मनोकामना सुनते हैं और पूरे तरीके से उनके इतने नज़दीक रहते हैं कि आप इस महीने में कुछ भी मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। कई भक्त भी यहाँ पर हैं और देखिए लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है और लगातार भक्त जो हैं वो मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और बात सबसे अहम ये है कि आखिर महादेव को ये महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें माँ पार्वती ने उनको पाने के लिए व्रत किए थे और काफ़ी बड़ी तपस्या की थी और इस तपस्या के बाद माँ पार्वती ने महादेव को पाया और इसलिए सावन का महीना महादेव को सबसे प्रिय है। तो चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। अगर आप मंदिर नहीं जा पाए हैं किसी कारण की वजह से तो आज महादेव के दर्शन आप हमारे साथ करिए। पीपल का पेड़ देख सकते हैं, हर शिव मंदिर में आपको ये पेड़ मिलेगा और हर शिव मंदिर में नहीं हमारे सभी ग्रंथों में लगभग इसका जिक्र रहा है। पीपल का पेड़ भी हमारे पूरे ग्रंथों में और सनातन धर्म की संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कुछ भक्त भी यहाँ इसकी पूजा करने आए हैं, महादेव की पूजा करने हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सावन का महीना उनके लिए कितना प्रिय है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम माला शर्मा है और ये सावन का महीना जो है बहुत ही सुहावना और बहुत ही बढ़िया है। इसमें लड़कियां, कुंवारी लड़कियां व्रत रख दिए अपने अच्छे जीवन साथी के लिए, उनको ये व्रत रख के जीवन साथी अच्छा और बहुत ही अच्छा घर बार मिलता है।
कहा जाता है कि महादेव को पाने के लिए माँ शिव पार्वती ने जब व्रत रखा तो तब से एक कथा प्रचलित रही कि सिर्फ महिलाएं जो हैं वो अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं, लेकिन बहुत सारी मनोकामनाएं अगर किसी भी इंसान की हो तो वो भी महादेव पूरी करते हैं, अगर ये कहें तो क्या गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है जी, इसमें हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, हर एक इंसान की जो सच्चे मन से व्रत रखते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। हर हर महादेव। तो भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे भी लगा दिए और इसी तरीके से शिवालय में जयकारे लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से आप तमाम चीजें देख रहे हैं, भक्तों से हमने बातचीत की, सावन का महीना हर महीने में पूर्ण है। आप ये कहिए कि अगर सावन के महीने में आप पूजा अर्चना करें भगवान से, महादेव से, उनके पास जाकर कुछ मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, आप उनसे कभी भी मांग लीजिए, वो आपको जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन सावन का महीना खास क्यों है वो हम आपको लगातार हर दिन बताएंगे, हर दिन सावन की एक नई कथा आपको बताएंगे कि आखिर सावन का महीना क्यों प्रचलित है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं मुस्कान एनबी।